हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज आपके लिए लेके आऊँ टेस्ला की नई मॉडल 3। सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं हेडलाइट से ही। अब आपको एकदम नया फ्रंट डिजाइन दिख रहा है, तो अब जो आपको हेडलाइट्स हैं वो काफी ज्यादा बढ़िया दिख रहे हैं, काफी शार्प है यहाँ पे एंगल, और फ्रंट में ये चीज भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया लग रही है। और अगर साइड प्रोफाइल आपको मैं दिखाऊं तो साइड प्रोफाइल जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसी अभी तक हमें टेस्ला मॉडल 3 की दिख जाती है। बैक में आपको एक नई चीज दिखेगी, वो है ये नई टेल लाइट्स। और ये जो टेल लाइट्स हैं ये वन पीस टेल लाइट्स हैं, तो ये आप देख सकते हो कि वन पीस है, यहाँ पे कोई भी दो टुकड़े वाला काम नहीं है। जब आप ट्रंक ओपन करोगे तो पूरा वन पीस है जो पूरा ऊपर चले जाता है, तो टेल लाइट देखने में अच्छी लगती है। पावर मिल जाती है आपको टेलगेट में भी, तो बटन से ही खुलेगी, बटन से ही बंद हो जाती है। और ये है बूट स्पेस टेस्ला मॉडल 3 की, ये है बेसिक मॉडल। अब इसको करते हैं बंद और कुछ इस तरीके की लगेगी अपनी टेस्ला मॉडल 3, बिल्कुल ब्रांड न्यू ये मॉडल है। और सबसे पहले हिंदी वीडियो आप देख रहे हो। और एक और चेंज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अब यहाँ पे टेस्ला का लोगो नहीं है, टेस्ला लिखा हुआ आपको दिख रहा है। तो पहले ये मॉड करवाते थे लोग, अब हमें कार के अंदर पहले से ही मिल रहा है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे एक और नई चीज आ गई है, वो है इसके व्हील्स। ये है बेसिक व्हील जो आपको सारी कार्स के साथ देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पे नोवा व्हील्स भी मिल जाते हैं जो कि 19 इंच के हैं, और उसके लिए आपको पे करना होगा $1500। और ये जो कलर है ये नया आया है इस बार, इसका नाम है स्टेल्थ ग्रे, और ये बेसिक मॉडल है। तो अगर आप टेस्ला मॉडल 3 ले रहे हो तो ये वाला कलर जो है वो फ्री मिलेगा। इसके अलावा कोई भी कलर लेना है तो आपको पे करने होंगे $1000, और अगर आप अल्ट्रा रेड कलर लेना चाहते हो तो उसके लिए पे करने होंगे $2000। ये गाड़ी जो है टेस्ट ड्राइव वाली है, किसी ने स्क्रैच मार दिए हैं इस पे। टेस्ला मॉडल 3 रहती है, यहाँ पे भी एक कैमरा आपको फ्रंट पे मिल रहा है, एक साइड पे कुछ कैमरास आपको बैक में मिल रहे हैं। ये सारे कैमरा जो है काम करते हैं फुल सेल्फ ड्राइविंग का, इन्हीं कैमरा से जो आपकी गाड़ी है जज करती है आपकी लोकेशन वगैरह। एक कैमरा इधर दिख रहा है, एक फ्रंट में है। और अब चलते हैं अंदर, और ओपन करने के लिए पहले आपको यहाँ दबाना है और उसके बाद इस तरीके से आपको खींच लेना है। और ये है टेस्ला मॉडल 3 का इंटीरियर। ये जो मॉडल है ये है स्टैंडर्ड मॉडल, तो यहाँ पे आपको साइड्स में फैब्रिक मिल रहा है। जो लॉन्ग रेंज है वहाँ पे आपको इस जगह पे एल्कंटारा मिल जाएगा, जैसे स्विचेस वगैरह रहते हैं वही हैं। बट एक नई चीज़ यहाँ पे दिख रही है, एक ये सेक्शन आपको दिख रहा है, एक हुक मिल रही है डेडिकेटेड, ये इसलिए ताकि डोर भी अच्छे से लॉक रहे और कैबिन के अंदर क्वाइट आपको एक्सपीरियंस मिले। कैबिन जो है काफी ज्यादा साइलेंट रहेगा पहले के कंपैरिजन में। और सीट की अगर बात करें तो पावर सीट आपको मिल रही है, आगे पीछे आप कर सकते हो। हीटिंग एंड वेंटिलेशन दोनों इस कार के अंदर आपको मिल जाएंगी। चलते हैं अंदर, और ये है स्टीयरिंग व्हील नई टेस्ला मॉडल 3 का। तो जो भी हमारे स्टॉक्स वगैरह रहते थे ड्राइविंग मोड्स के लिए या इंडिकेटर्स के लिए वो चले गए हैं, अब सारे कंट्रोल जो हैं वो आ गए हैं स्टीयरिंग व्हील पे। तो ये कैपेसिटिव बटन्स हैं, इनको अगर आप टैप करते हो तो यहीं से आप इंडिकेटर ऑन कर सकते हो। इस बटन से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, हाई बीम है आपका, ये रहेगा आपका हॉर्न। पहले जो हॉर्न है मेरी, आपने जो टेस्ला मॉडल एस वाली वीडियो देखी वहां पे देखा होगा, ये हॉर्न नहीं रहा था, हॉर्न के लिए भी यहां पे एक बटन था, तो लोग काफी ज्यादा उससे दुखी हो गए थे, तो वो बटन हटा दिया है। अब एक रियल हॉर्न मिल रहा है जैसा हमें कार्स के अंदर मिलता है। और ये स्टीयरिंग व्हील काफी ज्यादा डिफरेंट है। अब अगर इस साइड आ जाए तो विंडशील्ड वाइपर्स हैं, यहां से आप कमांड दे सकते हो, और इस बटन से आप कार का ऑटो पायलट जो है उसको ऑन कर सकते हो, और यहीं से आप सारी सेटिंग्स कर सकते हो अगर आप इसको आगे पीछे करना चाहते हो। तो कुछ इस तरीके का इंटीरियर आपको मिलेगा। यहाँ पे फ्रंट में कोई भी स्क्रीन नहीं है, आपको जो यहाँ पे स्पीड दिखेगी वो इस जगह पे दिखेगी, ये रहेगी आपकी स्क्रीन जहां से आप सारी चीजें कंट्रोल करोगे। और एक नया चेंज इस कार के अंदर जो और मुझे देखने को मिल रहा है वो ये है कि यहाँ पे अब फैब्रिक मिल रहा है, पहले यहाँ पे वुड मिलता था, तो ये सारी चीज अब इन्होंने चेंज कर दिया। इस जगह की बात करें तो ये दो वायरलेस चार्जर्स हैं, इस जगह पे हमें स्टोरेज मिल जाती है काफी अच्छी खासी। इसको करते हैं बंद। कप होल्डर्स अगर खोलें तो थोड़ी सी स्टोरेज हमें यहाँ भी मिल रही है। सीट्स काफी ज्यादा कंफर्टेबल है इस वाली कार की, और जो टेस्ला की खासियत रहती है ये रूफ वो हमें मिल रही है ट्रांसपेरेंट वाली। यूवी रेस प्रोटेक्टेड है, तो यहाँ पे अंदर आपको जैसी नॉर्मल कार का एक्सपीरियंस होता है वैसा ही मिलेगा, बट आपको ट्रांसपेरेंट लुक मिल रहा है। बट यहाँ पे ये बीच में एक पिलर सा आ जाता है जो कि मॉडल एस में नहीं है, पूरे वहां पे एक ही आपको ग्लास मिलता है, बट यहाँ पे इंटरप्शन आ जाती है बीच में। और जैसी टेस्ला की सीट रहती है वही सीट्स हैं। चलो पीछे वाली सीट पे, वहां पे भी एक नई चीज है। और टेस्ला को अगर आप ओपन करना चाहते हो तो ये बटन है, इसको दबाना है और यहाँ से ओपन हो जाता है गेट। और अब चलते हैं बैक सीट में, क्योंकि यहाँ पे भी एक नई चीज आ गई है। बैक सीट में अगर हम आते हैं तो यहाँ पे हमें अब एक टच स्क्रीन मिल रहा है जो कि पहले टेस्ला मॉडल 3 में नहीं मिलता था, मॉडल एस में मिलता था। तो यहाँ से आप सारे कंट्रोल्स कर सकते हो, नेटफ्लिक्स यूट्यूब वगैरह चलाना चाहो वो चला सकते हो। तो जितने भी बैक सीट पैसेंजर्स हैं उनकी मौज है, वो लोग नेटफ्लिक्स वगैरह सारी चीजें यहीं से देख सकते हैं, सारे कंट्रोल्स कर सकते हैं। और एक चीज अभी मैंने नोटिस करी, इस कार के अंदर आपको दो USB-C पोर्ट्स भी मिल रहे हैं आपके डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए। तो एक स्क्रीन ये है, एक फ्रंट में मिल रही है। और फ्रंट स्क्रीन के अब आपको फंक्शंस दिखा देता हूँ। और अगर आपको इस कार को एक्टिवेट करना है, ड्राइव करना चाहते हो, तो इस की को यहाँ रख देना। ये जो की है यही चाबी होती है टेस्ला कार की, टेस्ला मॉडल 3 की। और इसके अलावा आप फोन के अंदर भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि कार जो है वो एक्टिवेट हो गई है। अब अगर मुझे ड्राइव में डालना है तो बस मुझे ब्रेक दबाना है, और यहाँ से अगर मैं ऊपर करता हूँ तो ये ड्राइव पे हो जाएगा, नीचे करूंगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। और अब मैं ड्राइव कर सकता हूँ,
बैक करता हूं तो यहां से रिवर्स आ जाएगा, और रिवर्स के लिए यहां पे 360 कैमरा तो नहीं मिलता है, बट एक नई चीज यहां पे आ गई है जिससे आपको 360 वाला व्यू ही आपके आसपास क्या है वो आपको यहां दिख जाएगा। और जैसे जैसे आप जगह के पास आओगे, जैसे आप देख रहे हो कर्व के पास हूं, तो यहां पे हीट सी आपको शो हो रही है, और यहां पे आप कैमरास देख सकते हो। जब भी आप लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करोगे तो आपको ये वाला कैमरा ऑन हो जाएगा, राइट करोगे तो ये वाला। ये सारी चीजें मैंने आपको मॉडल एस के रिव्यू में दिखाई हुई है, कर देते हैं पार्क। और अगर आपको स्क्रीन से गियर नहीं चेंज करने, स्क्रीन से मोड नहीं करने, तो आपको टॉप पे भी ये प्रिंडल मिल जाता है, यहाँ से आप कर सकते हो पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, और ये है ड्राइव मोड। तो टॉप पे आपको गियर मिल रहे हैं, अगर आपको स्क्रीन पे करना है तो आप बस टैप करो, आगे करोगे तो ड्राइव कर सकते हो, पीछे करोगे तो रिवर्स, एंड दैट्स इट। अगर यहाँ पे होल्ड करके रखते हैं तो गाड़ी चली जाएगी पार्क के अंदर, एंड इतना सा रहता है। और यहीं से आप सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो, जैसे अगर मैं दिखाऊं कंट्रोल्स हैं, मिरर फोल्ड करना चाहते हो, विंडो, ग्लव बॉक्स ओपन करना है तो यहाँ से ग्लव बॉक्स ओपन हो जाएगा, तो कुछ ऐसा रहता है। टेस्ला में सारी चीज़ें जो हैं वो यहीं से चलती हैं। स्टेयरिंग व्हील पर क्लिक कर दोगे तो यहाँ से आप देख रहे हो कि मैं इसको नीचे ऊपर कर सकता हूँ इसी बटन से। इसी तरीके से ये जो मिरर्स हैं इनको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो काफ़ी इजी कार है ड्राइव करने के लिए। और ये है नई मॉडल 3 आप सबके लिए। और फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में भी आपको बूट मिल जाता है, क्योंकि इसमें इंजन तो है नहीं, बैटरी ही है, तो फ्रंट में भी बूट है, बैक में भी। और अब इसको कर देते हैं बंद। ये है नई वाली और ये है ओल्ड वाली, तो फर्क आपके सामने है। नई टेस्ला मॉडल 3 अच्छी लग रही है, ओल्ड वाली आप लोग बताओ कॉमेंट्स में। और इसमें जो नया कलर आया है वो है ये वाला, इसको कहते हैं अल्ट्रा रेड। ये मॉडल वाई है, बट इस कलर को आप इसमें इमेजिन कर सकते हो, बट ये जो कलर है इसका प्राइस है $2,000। मॉडल 3 में ये है वाइट कलर, और वाइट में क्या सही लग रही हैं टेल लाइट्स। और एक बार मैं आपको वाइट भी दिखा देता हूँ फ्रंट से, व्हील्स तो अच्छे लग ही रहे हैं, काफ़ी सही लगती है ये वाली कार यार। और अगर एक बार मैं आपको दिखाऊँ साइबर ट्रक, तो ये है ब्रांड न्यू साइबर ट्रक जो अभी आई है। अभी यहाँ पे कोई इशू चल रहा है इसलिए इन्होंने बंद किया हुआ है, बट क्या सही लग रही है ना ये चीज़। ये था टूर टेस्ला मॉडल 3 का। यहाँ पे दो टेस्ला मॉडल 3 हैं, और दोनों जो हैं ये स्टैंडर्ड वाली हैं, लॉन्ग रेंज नहीं है। अगर मैं कुछ नंबर्स की बात करूँ इन कार्स के बारे में, तो स्टैंडर्ड वाली जो कार है इसका प्राइस है 38,990, और यहाँ पे रेंज हमें मिल जाती है 272 माइल्स की एक फुल चार्ज के अंदर, और ये ऑप्टिमल कंडीशंस में है। टॉप स्पीड है 125 माइल्स पर आवर की, और 0 to 60 स्टैंडर्ड का है 5.8 सेकंड्स। अगर आप लेते हो लॉन्ग रेंज तो वहाँ पे ड्यूअल मोटर आपको मिल जाती है, और वहाँ पे 0 to 60 हो जाता है 4.2 सेकंड्स में। और ये मैं माइल्स में बता रहा हूँ, तो 0 से 100 पे ये वाली गाड़ी जो है 4.2 सेकंड्स में लग जाती है। परफॉर्मेंस मॉडल अभी इसके अंदर नहीं आया है, जो लॉन्ग रेंज वाला मॉडल है वो टॉप मॉडल है, और उसका प्राइस है 46,990 प्लस टैक्सेस। वहां पे भी जो टॉप स्पीड है वो आपको 125 माइल्स पर आवर की ही मिल जाती है, बट जो रेंज है वो मिलेगी 341 माइल्स की एक फुल चार्ज में। तो ये है कुछ नंबर्स, और ये थी मेरी वीडियो टेस्ला मॉडल 3 के ऊपर। ये वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि साइबर ट्रक की वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आ रहा हूं आपके लिए। और अब इस वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।